Hello friends, welcome to my channel Medical Study Point. I hope you all are doing well. Baroreceptors. So baroreceptors hota kya hai? Within the wall of the aortic and carotid sinuses. So aortic and carotid sinuses ki walls mein baroreceptors present hote hain. So baroreceptors kya hote hain? Nerve endings sensitive to stretch. So baroreceptors ek tarah se nerves ki endings hai jo ki sensitive hoti hain bahut zyada pressure se. Ki agar pressure rise hua jaise ki blood pressures jo hain aortic और कैरोटिड ब्लड जो वेसल्स हैं अगर उनमें प्रेशर या फिर स्ट्रेच हाई है या नैरो है या इंक्रीज है डिक्रीज है सो इन प्रेशर से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बैरोरिसेप्टर्स. सो क्या हुआ, राइज इन बीपी इन दीज आर्टरीज. अगर इन आर्टरीज में ब्लड प्रेशर राइज होता है तो क्या होता है, जो बैरोरिसेप्टर हैं वो सेंसिटिव हैं इन प्रेशर के लिए, तो क्या होगा, बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे. देन जो CVC है हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो है ब्रेन में, रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और किसको इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पथेटिक नर्व एक्टिविटी टू द हार्ट. सो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स जो हैं ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती हैं. सो क्या होगा, स्लोज द हार्ट डाउन, हार्ट जो है स्लो हो जाएगा. सिंपथेटिक स्टिमुलेशन टू द ब्लड वेसल इनहिबिटेड. अब जब पैरासिम्पथेटिक नर्व एक्टिविटी स्टिमुलेट हो गई तो जो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो कि हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं वो रुक जाएंगी, इनहिबिट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा. वैसोडाइलेशन मतलब वेसल जो है डायलेट हो जाएगी, तो क्या होगा, जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा. इस तरह से ब्लड प्रेशर जब राइज होता है तो बैरोरिसेप्टर काम करते हैं. इसी तरह से जब ब्लड प्रेशर फॉल होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा प्रेशर विद इन आयोटिक एंड कैरेटिड साइनस फॉल, तो प्रेशर जो है कम हो जाएगा वहाँ पर, बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए. अब क्या हुआ, रेट ऑफ बैरोरिसेप्टर डिस्चार्ज फॉल, उनका जो डिस्चार्ज है रेट है वो कम हो जाएगा. सो CVC कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उससे, जो सेंटर है ब्रेन में नर्वस सिस्टम में, रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग सिंपथेटिक एक्टिविटी टू द हार्ट. सो सिंपथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जो फॉल हो गया था वो इंक्रीज हो जाएगा और नॉर्मल लेवल तक आ जाएगा. सो हमें दो बातें समझनी है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स स्टिमुलेट होंगे और वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, मतलब वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होंगे और वेसल डायलेशन होगी, वेसल डायलेट होगी और ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा. अब ये फॉल का ही दूसरा डायग्राम नॉर्मल ब्लड प्रेशर है. अगर ब्लड प्रेशर फॉल हो गया तो बैरोरिसेप्टर डिटेक्ट कर लेंगे फॉल इन ब्लड प्रेशर को, नर्व कैरी सिग्नल फ्रॉम बैरोरिसेप्टर टू द ब्रेन, वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएंगे, ब्रेन सेंड सिग्नल टू द हार्ट, इंक्रीज इट्स आउटपुट एंड टू ब्लड वेसल कॉजिंग देम टू कंस्ट्रिक्ट. सो ब्रेन से हार्ट तक कैसे सिग्नल जाएगा कि वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, सो ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा. बैरोरिसेप्टर डिटेक्ट व्हेन ब्लड प्रेशर रीचेज नॉर्मल, बैरोरिसेप्टर को पता लग जाएगा कि नॉर्मल हो गया ब्लड प्रेशर. अब क्या होगा, नर्व कैरी सिग्नल फ्रॉम बैरोरिसेप्टर टू द ब्रेन और ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाएगा कि ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो गया है. एंड अगर ये आपको समझ आई सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.